under the chapter of consumer behavior we are going to study price index what do we mean by the price index as we have previously studied that there can be any type of the index and that index will be a standardized measure to have a comparison between the two consumption bundles so for that a standard measure we can assign any weight to that so when we say the price indexes it means now the comparison will be of various bundles on the basis of the price difference and why we require this it means when a consumer has to decide in the consumption of various bundles from time to time he want to compare that either he is well off or either his वेलफेयर हैज़ रिड्यूस्ड और वट इज़ द टोटल लेवल ऑफ़ द एक्सपेंडिचर दैट ही इज़ गोइंग टू इनकर ऑन द सेम बंडल या अगर हम दूसरे अलफ में कहें तो एक कंज्यूमर को मुख्त अवत में अपनी प्रीवियस कंज़म्पन का आज की कन्जम्पन से जब भी मुजना करना है तो उसको कहीं ना कहीं उसमें देखना है कि कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से उसकी उसी बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर जो अखराज का वो तखमीना लगा रहा है उसमें इजाफा हुआ है या कि कमी हुई है और अगर वो इजाफा हुआ है तो उस इजाफे की मकदार कितनी है तो उसको तयन करने के लिए वो जिन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करेगा उसको हम प्राइस इंडेक्स में लेंगे अब प्राइस इंडेक्सेस को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे तो जिस तरीके से हमने पहले कहा हमारे पास कमोडिटीज़ की मकदार होती है और वो कमोडिटीज की मकदार के लिए हम तयन करते हैं कि वो दो टाइम पीरियड्स पे है मीन वन विल बी द बेस पीरियड एंड अदर विल बी द करंट पीरियड ऑफ द टाइम तो उन दो टाइम के मुबैया हम जिस टाइम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी दो कमोडिटीज के बंडल्स हैं दो टाइम फ्रेम्स हैं और उस वक़्त उसी तरीके से जो कीमतों का तयन हमने करना है तो जो उन अशिया की कीमतें एक उस बेस पीरियड की कीमतें होंगी और उसी तरीके से कुछ कीमतें जो आज करंट टाइम में होंगी तो अब ओवर दिस टाइम फ्रॉम बेस टू करंट आते हुए जो कीमतों में या उतार हुआ है मीन रिड्यूस हुई हैं या उनमें बढ़ोतरी हुई है तो जब हम इसमें इस चेंज को परसेंटेज से एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल बी आवर प्राइस इंडेक्स अब अगर हम इसको देखें तो क्या हम कंज्यूमर के बारे में जब भी देखते हैं तो क्या सिर्फ़ वो प्राइस इंडेक्स के ज़रिए ही उसका वास्ता पड़ता है जनरल लाइफ में आप स्टूडेंट्स आपका वास्ता पड़ता होगा जिसमें हम जनरली तौर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र करते हैं हम ब्रांड इक्विटी इंडेक्स का जिक्र हमारे सामने आ रहा होता है क्वालिटी इंडेक्स का ज़िक्र आ रहा होता है उसी तरीके से कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस इंडेक्स को हम मैयर कर सकते हैं हम कस्टमर का जब सेटिसफेक्शन की बारी आए तो हम ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज तो वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्सेस हैं जो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर रिलेटेड टू कंजम्पशन वो प्राइस इंडेक्सेस अब इस प्राइस इंडेक्सेस में अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्टली दो प्राइस इंडेक्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिसको हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं अब जब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस की बारी आती है तो हमें यह देखना है कि फॉर अ कमोडिटी कमोडीपोज़ हम कहें कि एक घर वालों ने रेफ्रिजरेटर बेस पीरियड यानी आज से दस साल पहले सपोज लिया था और वही रेफ्रिजरेटर आज लिया है तो ये कमोडिटी चूंकि वो वंस ले रहे हैं और एक हमारी उस फॉर्म में है जिसके प्राइस में बहुत फ्रीक्वेंट चेंज नहीं आता लेकिन इसी के मुकाबले में हम वो चीज़ें जो हमारी रोजमर्रा की हैं हम कोई सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं हम कोई फल खरीदने जाते हैं तो उसमें मुमकिन है कि जिस चीज़ की कीमत सुबह के वक़्त है वो कुछ और हो शाम को और हो या आज और कीमत है अगले दिन उसमें कोई पाँच रुपये की कमी हुई हो परसों पाँच रुपये का इजाफ़ा हो तो जब ऐसी अशा के ऊपर हम बात करेंगे तो उसको हम वेटेड एवरेज में लेंगे कि एक हफ्ते के अंदर उसकी वेटेड एवरेज ले ली या एक महीने की ले ली और सम टाइम हम सीजनल एवरेजेस भी ले सकते हैं ताकि वो प्राइस एक पर्टिकुलर अमाउंट या पॉइंट को शो कर रही हो यहाँ पे दो प्राइस इंडेक्सेस हमारे सामने आते हैं वन इज़ कॉल पाशे प्राइस इंडेक्स एंड द अदर इज़ लेस्पियर प्राइस इंडेक्स अब पाशे प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर हम कहें कि वो कैसे डिवेलप हुआ तो जर्मन इकोनॉमिस्ट हरमन प्रैशे ने ही इसको एक्सप्लेन किया तो इसीलिए उसका नाम हमारे सामने है अब अगर इसमें देखें तो जिस तरीके से हम इंडेक्स नंबर्स में ये तय कर चुके हैं कि देर विल बी द वेरियस कमोडिटीज अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक्स वन और एक्स टू दो कमोडिटी के बंडल हैं जो टाइम पीरियड टी यानी करंट में हैं और उसी तरह वही क्वांटिटी जो है वो अगर बेस पीरियड में है तो ये दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज़ इन बेस पीरियड है और इनको हमने सिर्फ वेट असाइन किया है इसी इंडेक्स नंबर्स के इसी फार्मूले में जिस टाइम हम उनकी जो टाइम पीरियड टी की क्वांटिटीज़ के साथ अगर उसको सब्सिट्यूट कर देंगे तो वो पाँचे प्राइस इंडेक्स बन जाता है तो अगर हम देखें तो यही हमारी जो कमोडिटी है एक्स टी वाली वो उसी फॉर्म में यहाँ पर है लेकिन ये जो बेस पीरियड की है इट इज़ अगेन सब्सिट्यूट बाय टाइम पीरियड टी और उसी तरीके से ये ऊपर वाली भी सेम है लेकिन अब ये बेस पीरियड की इट इज़ सब्सिट्यूट बाय टाइम टी तो व्हेन दीज ऑल कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज को हम चारों जगहों पे सिर्फ और सिर्फ करंट के साथ या टाइम पीरियड टी की क्वांटिटीज के साथ सब्जी कर दें तो बाकी जो हमारे पास है और उनकी प्राइसेस के साथ रेलिवेंट पे तो ये हमारा पार्शियल प्राइस इंडेक्स बन जाता है अब जब हम देखें तो ये इंडेक्स में हमने जो यूटिलाइज की है ये सिर्फ हम एक्स वन और एक्स टू यानी सिर्फ दो कमोडिटीज़ को लेके लेकिन लाइफ में जनरल में, कंजम्पशन में एक कंज्यूमर मुख्तफ अवत में हिरों अशिया खरीदता है जिसमें खुराक कपड़े घर बार तालीम हेल्थ ये तमाम सेक्टर्स की अगर करें तो देर कैन बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ़ द कन्जम्पन और जब ये लॉन्ग लिस्ट होगी तो हमें अब कहें कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देर इज़ अ वेरी सिंपल वे जिसमें हम कहते हैं कि इन दिस फॉम पाँच प्राइस इंडेक्स विल बी एक टू द सम ऑफ अब वह सम किसी का करेंगे तमाम कमोडिटीज़ जितनी वो करंट टाइम पर ख़रीद कर रहा है उन सब की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी अब अगर हम देखें तो हेयर इट कैन बी प्राइस ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एट अगेन प्राइस ऑफ टू कमोडिटी एक्स टू प्राइस ऑफ थ्री एक्स थ्री प्राइस ऑफ फोर एक्स फोर एंड लाइक वाइज इट कैन भी प्राइस ऑफ एन एक्स एन So, a long list of commodities can be added here, and likewise, in the denominator, there will be the total expenditure for all the items that the consumer is going to purchase at the base period, but with the price of current time. So, when this formula we are going to explain, we take that we are going to utilize. All the quantities of the करंट time, so keeping in view this, we are having करंट weighted index. अब इसी इंडेक्स को देखते हुए ऐसा नहीं है कि ये एक इंडेक्स परफेक्ट फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे जाएं तो चूंकि ये करंट पीरियड में हम मैयर कर रहे होते हैं तो बिकॉज करंट टाइम में ऑल कमोडिटीज़ का सिर्फ असमेंट करने के लिए उनका डाटा लेना उनकी क्वांटिटी का और उनकी प्राइसिस का इट इज़ समट कॉस्टली और उसको फिर उसको वेटेज देना वो काम बढ़ा देता है और इसमें एक चीज़ ये है कि ये बहुत सारी जो चेंजेस हैं कीमतों के वजह से हुई वो उसको अंडरस्टेट कर देता है और ओवर द टाइम मीन बेस पीरियड से कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में माइट बी देयर आर सर्टन चेंजेस विद द टाइम ऑफ एज और द वेदर और ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स तो ये क्योंकि उस चेंज और प्रेफरेंसेस को इंक्लूड नहीं करता लेकिन जो इसका एक बेनिफिट ये है कि ये अपवर्ड बाइस्ड नहीं है और फ्यूचर के लिए अगर हमने जाना हो तो हमें इसकी क्वांटिटीज को असेस वहाँ पे नहीं करना पड़ता अब उसको यूटिलाइज़ हम कैसे करेंगे अब चूंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की प्राइसिस को देखते हुए हम देखें तो बंडल्स को प्रीवियस से जाना पड़ता है हम यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर पाशे का प्राइस इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन वन पॉसिबल है वो लेस देन वन भी हो सकता है बट इन दिस केस इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन वन तो हाउ वी कैन से फ्रॉम दिस इनिक्वालिटी के कंज्यूमर की वेलफेयर पहले से बड़ी है या कम हुई है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इसको सादा अल्फाज में यहाँ से देख के बता सकें तो हम उसमें क्या करते हैं क्यों हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड कर देते हैं एक एक्सपेंडिचर इंडेक्स और दैट एक्सपेंडिचर इंडेक्स की जो चेंज है हम उसको देखते हैं अब एक्सपेंडिचर इंडेक्स में अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंस जो सिर्फ ये है कि इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें तमाम की तमाम कमोडिटीज़ की क्वांटिटी एंड प्राइस वो करंट रेट पे है और उसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसमें उनकी क्वांटिटी और प्राइस वो तमाम की तमाम बेस पीरियड में है तो इट मींस दैट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इट मयर द चेंज ऑल ओवर द फ्रॉम बेस टू करंट अब हम उसको इंक्लूड करते हुए अगर यूटिलाइज करें कि इफ पाशी इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन तो वी से दैट द पाशी इंडेक्स इज ग्रेटर देन आवर एक्सपेंडिचर इंडेक्स एंड कीपिंग दिस इनइक्वालिटी we cross multiply this inequality and when we cross multiply then this part of the equation it comes here and this part of equation it goes here and this part is going to be cancelled by each other and then this means price and commodity at base period of the all it becomes greater न द कंजम्पन बंडल दैट वॉज एट करंट लेवल बट विद द प्राइस ऑफ बेस और हम अब इससे असेस कर सकते हैं कि जो भी हमारा कंज्यूमर है अगर हम उसकी प्रेफ्रेंस को देखें तो उसने अपना जो बेस पीरियड का बंडल है वो उसको उसकी बेस पर आज के करंट वाले को वो प्रेफ्रेंस दे रहा